और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सोम्या इक्तदार एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। COVID-19 की जहां हम आजकल बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि इंडिया से बहुत सारे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी लोग बहुत एप्रीहेंसिव हैं इस बीमारी को लेकर। सो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, फंगस की एक ऐसी शक्ल है या काली फफूंदी या काली फंगस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। COVID-19 की वजह से जब लोग स्टीरोइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कुव्वत मुदाफियत में कमी आ जाती है और इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन के इटसेल्फ भी कॉज है कि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है और सुपर एडेड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इनमें हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनमें कुव्वत मुदाफियत की कमी है ऐसी ड्रग्स की वजह से जो ले रहे हैं, वो जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स में हैं या वो किसी कैंसर या ऐसे मर्ज का शिकार है जिसमें कुव्वत मुदाफियत की कमी हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज और उनके शुगर के लेवल्स अनकंट्रोल्ड भी हैं, में इन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। COVID-19 की इन्फेक्शन में म्यूकरमाइकोसिस के चंद केसेस हमारे सामने पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम है और इसको घबराना नहीं चाहिए। और इसकी एक जो हाइप क्रिएट हो गई है, हर कोई इसके मुतल्लिक बात कर रहा है, वो उससे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आपके पास कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये आमतौर पर काले धब्बों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जो कि यूजुअली आपके अपर बॉडी के एरियाज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपका चेहरा, गर्दन, मुंह के अंदर माइकोसिस की डिपॉजिट्स हो सकते हैं, नाक के अंदर हो सकते हैं, आँखों को इन्फेक्ट कर सकती है, आपके साइनसेस में जा सकती है और कई दफ़ा आपके ब्रेन को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। मरीज़ को जो अलामत आती हैं उनमें एक तो ये काले धब्बे हैं, इसके अलावा आँखों में सोजिश हो सकती है, आँखों में धुंधलापन महसूस हो सकता है, आँखों की पुतली गिर सकती है, जिस्म में बुखार, दर्द और खिंचाव की कैफियत हो सकती है, और इसके अलावा नाक बंद होने की कैफियत हो सकती है, खाना निगलने में मसला हो सकता है। ये कुछ अलामात हैं जिनके साथ लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे एहतियात के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई अलामत आए तो फौरन अपने डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा, इसका टेस्ट कराया जा सकता है जिसमें हम टिश्यूज़ से सैंपल लेकर बायोप्सी कर लेते हैं और फंगल हाइफी को देख भी लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो COVID-19 का ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल मॉलेज के मशवरे के मुताबिक कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, स्टीरॉयड्स को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल ना करें। COVID-19 के वो पेशेंट्स जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है या जिनकी सेचुरेशन 93% से कम रह रही होती है, सिर्फ उनमें ही स्टीरॉयड इंडिकेटेड है। अपनी मर्ज़ी से और अपनी घर में स्टीरॉयड्स की कोई इंडिकेशन नहीं है। इनको बेजा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है और इसको अवॉइड कीजिए। डॉक्टर ने अगर आपको स्टीरॉयड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो उनकी मुद्दत और मियाद को उतना ही लीजिए जितने आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं और ट्रीटमेंट को बिला वजह प्रोलॉन्ग ना कीजिए। अगर आपको शुगर का मर्ज़ है तो अपने शुगर के मर्ज़ के लेवल्स को शुगर के ज़रूर चेक में रखिए, उनको कंट्रोल में रखिए ताकि आपकी बीमारी फैल ना सके। और तीसरी ये बात कि अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जैसे कोई ल्यूकीमिया है या कैंसर है या ऐसी बीमारी जिसमें आप इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सकें। COVID-19 के पेशेंट्स जिनमें म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है उनकी तादाद बहुत कम है, इससे घबराएं नहीं, लेकिन इसकी तशखीस के लिए डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। इसकी तशखीस के बाद आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी नामी दवाई आमतौर पर हम देते हैं और इसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड होता है, कई दफ़ा 8 हफ्ते तक हमें दवाई देनी पड़ती है और इसके साथ केयरफुली साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। सो इससे घबराएं नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम विजिलेंट रहें, देखें, ऑब्जर्व करें और गैर ज़रूरी तौर पर स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ना करें और अपने शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में रखें ताकि आप म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से बच सकें। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।